Hello, students. Uh, students, in our previous video, we started uh, the chapter number 6 of your history book, that was New Questions and Ideas. And in this chapter, we knew about uh, the story of Gautam Buddha, how a, a rich a people, uh, young people, belongs to a rich family. हाउ ही बीकेम शेस वी न्यू द स्टोरी एंड नाउ इन दिस वीडियो वी नो अबाउट द उपनिषद स्टूडेंट उपनिषद इज अ संस्कृत वर्ड क्या है यह एक संस्कृत वर्ड है जिसका लिटरली मीनिंग अगर हम देखें तो ऊपर ऊपर मीन्स नियर बाई नी एन आई नी मीन्स एट द प्रॉपर प्लेस एंड साइड मीन्स टू सीट यार उपनिषद का अगर मीनिंग हम देखें तो यह होता है सीटिंग डाउन नियर अ टीचर टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस यानी कि उपनिषद का मतलब होता है कि अपने टीचर्स के नज़दीक बैठना और उनके उपदेशों को सुनना तो स्टूडेंट्स ये वी आर टॉकिंग अबाउट एंशियंट पीरियड हम काफ़ी पुराने जमाने की बात करते हैं पहले लोग क्या करते थे गुरु के समीप बैठे होते थे चारों तरफ और वो गुरु की बातें सुनते थे तो उपनिषद जो है वह उसी का भाग है उसी को हम उपनिषद कहते हैं लोगों को पहले सबसे बड़ी बातें क्या थी जानने की जो इच्छा होती थी जो हमने गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ा कि आत्मा क्या है लोग बलिदान क्यों करते हैं परमात्मा क्या है आत्मा या परमात्मा में क्या संबंध है इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में वो उलझे हुए रहते थे जानने के लिए तैयारी होते थे यहाँ जो हम पढ़ेंगे वह है कि उपनिषद का जो है इट मीन सिटिंग डाउन नियर अ टीचर टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस एंड इन एंशियन टाइम द पीपल्स सैट नियर द गुरु टू रिसीव नॉलेज फ्रॉम Him. The Upanishads are also called Vedatma, which means the end of the Vedas. They are philosophical texts of the Hindu religions, and there are about 350. Of these, about a dozen are uh, the old Upanishads. The Upanishads have been credited to many authors. Initially, they were passed down orally. लेकिन उसमें अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे लोग जो थे अंग्रेज़ों ने भी ट्रांसलेट किया आप देखेंगे तो मुग़लों मुगल इम्पेयर के भी सन जो हैं आपको आ, जो शाहजहाँ थे उन्होंने भी फिफ्टी से ज़्यादा उपनिषद को आ, अपने दूसरी भाषाओं में आ, उन्होंने ट्रांसलेट करवाया था तो इन सिक्सटीन फिफ्टी सेवन का अगर हम देखेंगे तो शिको सन ऑफ द मुग़ल एम्पेयर शाहजहाँ कम्प्लीटेड ट्रांसलेटिंग फिफ्टी उपनिषद्स इन टू परसियन मैक्स मिलर गिवेन द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इन एटीन हंड्रेड फोर यानी कि मैक्स मिलर जो थे मूलर मैक्स मूलर वो फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किए थे लगभग अठारह सौ चार में वो मैक्स मिलर जो थे जर्मन स्कॉलर थे ऑफ यू नो कैम्परेटिव लैंग्वेज रिलीजन्स एंड मेथोलॉजी हिज एरिया Of interest includes Sanskrit, philosophy, and Indian religions. तो so students सबसे पहले हम ये जानेंगे कि what they tell us वो क्या कहे क्या क्या हमे बताया तो so, आप देखेंगे the two most important words according to the Upanishads are Brahman and Atma दो जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी वो Brahman और Atma the Brahman is the universal spirit एंड द आत्मा इज द इंडिविजुअल सेल्फ सो ब्रह्मा इज द सुप्रीम गॉड एंड ही हैज नो बिगनिंग नो इंड ब्रह्मा जो थे उनका न तो कोई अंत था न शुरुआत थी वो हर जगह आत्मा हर जगह हर व्यक्ति में जैसे आत्मा होता है ना हम में आप में सब में है उसी तरह ब्रह्मा जो थे वो हर जगह उपस्थित थे ही इज ओमनी प्रेजेंट एज द आत्मा in every one the discovery by upanishad thinkers they, atma and brahman are one and the same uh, is one of the greatest contribution made to the world of the thought the upanishads the spiritual meaning of the vedas is you know brought out the Upanishads uh, tell us in all forms of life वो हमें जीवन के सारे फॉर्म्स के बारे में बताता है देयर इज द सेम एसेंस इट कैनोट बी सीन बट इट इज प्रेजेंट इसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन यह प्रेजेंट है द उपनिशस आर स्ट्रांगली अपोज द रिचुअल्स एंड सेरोमनीज आर दे आर सेंटर्ड अराउंड द सोल एंड नॉट सेक्रीफाइस अकॉर्डिंग टू देम द सोल गोज फ्रॉम वन लाइफ टू द नेक्स्ट क्या होता है उनके अनुसार कि आत्मा मरती नहीं है जैसे आपसे निकल के उनमें उनसे निकल के उनमें ऐसे ही आत्मा करती रहती है और ऑन द पास्ट कर्म आज कर्म की प्रधानता है आप जो पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार आत्मा वैसे ही शरीर में वो प्रवेश करती है इट इज पर्सन्स कर्म आज विच डिटरमाइंड फ्यूचर जैसे कर्म होंगे आपके उसी तरह के आप शरीर धारण करेंगे आने वाले समय सो ए पर्सन इज बॉर्न अगेन आफ्टर डेथ एंड इज रिवार एज अ पनिश्ड फॉर हिज डीड्स अगर कोई व्यक्ति मरता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो अच्छे कर्म करेंगे तो उनको इनाम मिलेगा अच्छे शरीर में जाएंगे अच्छे घर में पैदा लेंगे बुरे कर्म तो वो बुरे आदमी बनेंगे ऐसा ही विश्वासो डील विद प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एक्सप्लेशन ऑफ दी सिलेबल ओम या क्या होता है ओम को भी हमें पता होता है यानी कि ओम जो होता है मंत्र जो है आप देखेंगे वेदाज में लिखा हुआ है ओम शांति 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 ये ऐसा उपनिषद में पाया गया है अगर आप अपने बुक की बात देखेंगे स्टूडेंट्स अपने बुक में आप तो आप पाएंगे कि अराउंड द टाइम दैट बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर अदर थिंकर्स आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर जब गौतम बुद्ध बता रहे थे अपने लोगों को उसी समय और भी थिंकर्स जो थे और गुरु लोग भी थे वो इसी क्वेश्चन के बारे में वो भी जानने की प्रयास कर रहे थे कि आखिर जो होता है वो ए, क्या चाहते हैं लोग लाइफ आफ्टर डेथ डेथ के बाद जीवन का क्या स्वरूप होता है कैसे इन्हीं के बारे में सभी लोग बारे में सभी लोग जानना चाहते थे अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइसेज शुड बी परफॉर्म सेक्रीफाइसेस का क्या होता है मेनी ऑफ दिज थिंकर्स फेल दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ सो दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा इन द इंडिविजुअल सोल्स एंड ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल इसमें सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी अगर हम देखेंगे <coughs> अपने बुक में तो देखिए ओवर सेंचुरी इंडियाज इंटेलैक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाई सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी सिक्स कौन कौन है तो आप देख सकते हैं uh, अपने बुक में वैसे न्याया समाख्या uh, पूर्वा मीमांसा एंड वेदांता और उत्तरा मीमांसा उत्तर मीमांसा भी आप कह सकते हैं दी सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी आर सेट टू है कोनारा गौतमा कपिला पतंजलि जैमिनी एंड व्यास ये रेस्पेक्टिवली है ये ऋषियों का नाम है इन्होंने ही इनको फिलोसोफर के रूप में जाने जाते हैं एंड दिज फिलोसोफर्स स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कर्स इन द कंट्री जर्मन बॉर्न ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट फ्रेडरिज मैक्स मूलर जो हमने अभी आपको चर्चा किया हैज ऑब्जर्व दैट द सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसोफी वे आर डेवलप्ड ओवर मैनी जेनरेशन विथ कंट्रीब्यूशंस मेड बाई इंडिविजुअल थिंकर हाउ एवर टूडे बी फाइंड एंड अंडरलाइंग हारमोनी इन दियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ ऑल देर सीम डिस्टिंग फ्रॉम ईच अदर स्टूडेंट्स ज़्यादा इसके बारे में हम द वाइज बेगर भी है कहानी जो दो आपको सेजेज बैठे हुए रहते हैं शौक एंड अभी प्रतरीन उसी समय एक भिखारी के रूप में कोई आता है और उनसे भोजन का डिमांड करता cannot anything for you. है वी कैनॉट एक्सपेयर एनिजेंट फॉर यू शौक शोना क्या कहते हैं उन्हें कि मेरे पास तो कुछ नहीं है फिर वो लर्नेड सर्स वो बोलते हैं कि आपके पास कुछ नहीं तो आप पूजा किसके करते हैं उन्होंने कहा कि मैं यूनिवर्सल सोल की पूजा करता हूँ फिर भिखारी ने कहा कि अगर यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं तो मैं उसी का पार्ट हूँ आप मुझे दीजिए और इस तरह वो भोजन लेते हैं तो ये आपका उपनिषद के बारे में हुआ हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे जैनिज्म। पाणिनि के बारे में आप जान लीजिए कि पाणिनि जो थे एक बहुत बड़े ग्रामेरियन थे दिस वॉज ऑल्सो द टाइम एंड बाई स्कॉलर्स वेर एट वर्क और उन्होंने ग्रामर संस्कृत ग्रामर के बारे में भवेल कॉन्सोनेंट शब्द के बारे में बताए हैं जेनिजिम के बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच